करती थी। सब छोड़ने वाला लोग चला जाता हो जाएगा, पर जैसे आपका प्रेजेंस के लिए एनरोल कर लीजिएगा, इसमें लिख देगा लगा दो नाम लगा। इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट, आप लोग को जो फेस किया है वो अगर बाई चांस रास्ता में गिर जाता है तो वहां पे वॉलंटियर से आप लोग को नोट करने वाला, मैं फिर से बता दूं कि आप लोग ने जो यहाँ पे कमर में फेस कर दिया। गुड लक टू एवरीबॉडी, रेडी सब छोड़ने वाला लोग चला जाता हो जाएगा, पर जैसे आपका प्रेजेंस के लिए एनरोल कर लीजिएगा, इसमें लिख देगा लगा दो नाम लगा। जोरदार तालियों के साथ आप लोग भी लॉन्च कीजिए। मोटर रनिंग अनुभव है एक्सपीरियंस 60K, 30K, 10K, 5K एंड गालों में एक हम लोग का लाइन है जो लोग को हो गया उनको जिंदा है अंदीज सीएस यू और 23 नवंबर 2024 एट पसार। I call upon the winner from female, Miss Tang Yapik, Miss Biki Tatang, Miss Nato Wangno. First है Tang Yapik, Miss Tang Yapik, उनका time है 20 minutes 14 seconds. Second, Miss Biki Yatung, time है 21 minutes
9 seconds. Third, Nyato Wangno, time 22 minutes, 10 seconds. हम लोग का बीच में है नेंडिंग अरुण, नेंडिंग अरुण आप जहाँ कहीं भी है स्टेज में आ जाइए, नेंडिंग अरुण ही इज सो ब्लेस्ड। हम लोग का बीच में हम लोग के साथ शामिल हुआ है नेंडिंग अरुण, प्लीज जोरदार के साथ थालियों के साथ आप तालियों बरसाते रहिए। जी हमारे साथ मैडम है न्याबी जिनी दीची मैडम, जो बसार से एमएलए हैं, और ये बसार कॉन्फ्लुएंस एक हर साल बसार में एक बहुत बड़ा फेस्टिवल, लोकल ट्रेडिशनल फेस्टिवल होता है, और ये जो रेस है ब्रूट की रेस है, इसमें मैराथन रेस में ये ड्रग फ्री अरुणाचल, ड्रग को लेके एक अवेयरनेस करी जाती है, मकसद क्या है? हाँ, इसका मकसद है हम लोग जो है अरुणाचल प्रदेश में ये ट्रायल किया गया था, पास ये ब्रूट जो है ट्रायल है, तो यहाँ में आज हम लोग यहाँ वेबसाइट लॉन्च करेंगे और आज प्रोमो रन है, तो इसलिए आज इसको ऑर्गेनाइज किया गया। असली जो हम लोग नवंबर 2024 को बासार में हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे, हम ये ड्रग्स को लेकर अरुणाचल प्रदेश में पूरा चल रहा है, जो युवा पीढ़ी जो आजकल सब बहुत ड्रग्स में डूबा हुआ है, उन सबको ड्रग्स मुक्त करने के लिए अभी इसको हम लोग ये किया है। असली जो वो बासार में होगा नवम्बर को होगा, उसमें इसलिए हम लोग इंटर को इसको रखा हुआ है। वो रन है ब्रूट का, तो इसमें हमको चीफ गेस्ट बुलाए गए हैं, बड़े भैया को स्पेशल गेस्ट के रूप में बुलाए गए, हम भी 5 किलोमीटर दौड़ के तकाहरा करा है। मैं लगता हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स है, तो मैं कोशिश करूंगा कि ये कैलेंडर इवेंट्स में ही आ जाए। ड्रग अवेयरनेस को लेकर क्या कहेंगे अरुणाचल नंबर वन एल्कोहलिक जो है, लोकल ब्रू बोलता है, हम लोग अपोंग बोलते हैं, हमारे मिलेट से भी बनता है, राइस हाथ से भी बनते हैं, लेकिन ये चीज जो है हमारा एल्कोहलिक स्टेट है, हो सकता है, लेकिन इससे इतना हार्मफुल नहीं है। जो इसको छोड़ के जो लड़का लोग ड्रग यूज कर रहे हैं, हेरोइन है, ओपियम है, ये सब यूज कर रहे, ये ठीक नहीं है, तो हम भी क्योंकि ये लोकल ब्रू अपोंग जो उसको संभाल के पीने से उसमें इसमें कोई डेंजर नहीं है, इसमें मैं नहीं बोलूंगा पीना चाहिए, लेकिन ये चीज जो है हमारा बुजुर्ग लोग पी के आया है, और बस्ती वाला एनी फेस्टिवल में ये तो पीते हैं, लेकिन संभाल के पीना चाहिए। और मैं जो ड्रग को लेके यही बोलूंगा कि ये ड्रग को हम सब जड़ से उकारने के लिए सबको मुहिम चलना चाहिए, और इस सोसाइटी मेंबर जो है रेस्पॉन्सिबल फील करना चाहिए कि या ड्रग ना हो, से नो टू ड्रग। यूथ को लेके सर आपका क्या मैसेज रहेगा अवेयरनेस के लिए? यूथ को मेरा मैसेज ये रहेगा कि यूथ, ये जो ड्रग मैनेज जो चल रहा है, जो यूथ इस पे नहीं है, उन लोगों से मेरा मैसेज ये है कि उन लोग जो ड्रग्स सेवन करते हैं उन लोगों को वापस मेन स्ट्रीम में लेके वापस आने का जो कोशिश है वो यूथ को करना चाहिए, खुद को तो बचाए औरों को भी बचाए। सर ये बसार कॉन्फ्लुएंस जो ये फेस्टिवल होता है नवंबर में,
उसको लेके ये जो ब्रूट मैराथन ऑर्गेनाइज की है इसको क्या आप क्या कहेंगे इसके? मैं तो अभी वहाँ कहते कहते रह गया, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि यही लोग है सच्चा जो सोशल एक्टिविस्ट है ये लोग। यहाँ तो कुछ लोग है जो सोशल एक्टिविस्ट खुद को ठेक लगाते हैं, लेकिन सोशल मेन असली सोशल एक्टिविस्ट ये लोग है जो सोसाइटी के जो प्रॉब्लम्स को लेके जो काम करते हैं यही लोग। इन लोगों को बढ़ावा देना चाहिए, हम लोग साथ हैं इन लोगों के साथ है। नाबम विवेक जी द्विमुख के एमएलए हैं और ये ब्रूट में मैराथन में इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया, काफी तेज दौड़ के आए, काफी हेल्दी और काफी एक्टिव एमएलए हैं। सबसे पहले तो देखो इंसान का जिंदगी में फिजिकल फिटनेस बहुत जरूरी होता है, आप जो भी पोजीशन में रहे तो फिजिकल फिट होना जरूरी है। इसलिए ये जो ग्रुप जो बचपन ग्रुप ने अरेंज किया है मैराथन रन, इसमें और लोगों का मनोबल को बढ़ाने के लिए उनको एनकरेजमेंट करने के लिए मैंने भी पार्टिसिपेट किया और बहुत ही अच्छा लगा। एक्चुअली बहुत दिनों के बाद इतना मतलब फिजिकल एक्सरसाइज करने को मिला एंड दिस इज गुड। मैं यूथ से स्पेशली ये मैसेज दूंगा कि ड्रग्स छोड़िए और फिजिकल फिटनेस पे, खेल कूद पे, सिंगिंग पे, म्यूजिक पे बहुत सारा एक्टिविटी है आपको पढ़ाई को छोड़ के भी करने के लिए, उस पर थोड़ा थोड़ा ध्यान दीजिए। शुरुआत में तकलीफ होगा मगर आपके पास अगर विल पावर है तो हर काम पॉसिबल है। इंसान का पास में सब कुछ करने का कैपेसिटी है, ये मनोबल या ये विल पावर रखकर स्पेशली जो यूथ जो आधा स्कूल पढ़कर ड्रॉप आउट हो गया और ड्रग्स में या दूसरा कुछ चीज़ों में पार्टिसिपेट कर रहा है उनको मैं दिल से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसा ना करें। स्पेशली मेरा 14 डेमुक असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन का यूथ लोगों को, क्योंकि कैपिटल में जितना भी ड्रग्स आता है उसको हम लोग बदनाम है, क्योंकि होलोंगी गेट, गुमतो गेट, बांदादा गेट, किमिन गेट सारा ये गेट है डेमुक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है और यहाँ से लोग सब आता है बोला। इसलिए मैं यूथ को सबसे आग्रह करता हूँ, पुलिस अकेला नहीं सकेगा तो हमको यूथ महिला अपना अपना इलाका में अभी से नाइट पेट्रोलिंग करना शुरू कीजिए और जहाँ कहीं भी आपको दिखाई देता है कोई अनवांटेड एक्टिविटी वीडियो बना के हमको भेजिए या एसपी कैपिटल को या एसपी पापुम पारे को भेजिए ताकि हम सबसे सख्त कानूनी कदम। ब्रूट इस बार जो मैसेज लेके आया है वो एंटी नार्कोटिक्स का मैसेज है यूथ एम्पावरमेंट का, तो इसके लिए दे वॉन्टेड टू कोलैबोरेट विद अस, वी वर वेरी हैप्पी ऑल्सो कि अगर हम किसी भी तरीके से इनकी हेल्प कर सकें। तो दिस टाइम कैपिटल पुलिस इज पार्टनर्ड विद ब्रूट इन ऑल द लॉजिस्टिकल हेल्प, लॉजिस्टिक्स हमने प्रोवाइड किए प्लस रीच आउट यूथ के लिए, हमारा जितना रीच है हमने कैपिटल पुलिस के हैंडल से अपने पर्सनल के द्वारा जितने भी सिटीजन को हम रीच आउट कर सकते हैं हमने रीच आउट किया इस इनॉग्रल रन के लिए। ये भी कहेंगे कि ब्रूट जो नवंबर में होने वाली है जो जिसका आज ये डेट अनाउंस भी करने वाले हैं उसमें भी सभी लोगों को हमारी तरफ से एक बहुत मैसिव इनवाइट, बहुत सिंपल मैसेज हम देना चाहेंगे कि आपके पास एक ही जिंदगी है, या तो आप उसको नार्कोटिक्स में लगा सकते हैं या आप अपने खुद के फिजिकल मेंटल हेल्थ में लगा सकते हैं। हमारा ये मैसेज इस मैराथन के द्वारा कि आप नार्कोटिक्स की लत को छोड़िए और रनिंग या किसी भी टाइप का फिजिकल एक्सरसाइज या एक्टिविटी आपको बहुत मदद करेगा वापस अपनी लाइफ ऑन ट्रैक लाने के लिए। आप फर्स्ट आए हैं ना? हाँ जी, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा था। जैसे प्रैक्टिस करते हैं आपको? हम सर क्लास 9 से दौड़े, अभी 3 साल हो गए दौड़ने वाला, इसलिए मैं भी आया था सेकंड में इस बार का यूनिटी ऑफ रन का। बहुत अच्छा लगा और जो हम मेरा जैसे यूथ लोग को हम इंकरेज करना चाहिएगा, स्पोर्ट एक बहुत अच्छा चीज़ है ना जो हम लोग का हेल्थ को मेंटेन करता है ना, शायद बीमार से भी बचाता है। इंकरेज करना चाहिए, देश के लिए कुछ करो ना, कुछ करने से अच्छा होगा। दिमाग से दौड़ने के लिए सुबह आ गया था, मौका मिलने से तो हम मेरा छोटा सा सपना था ओलंपिक में एक बार दौड़ने मिलेगा ना, इसलिए मौका मिलने से तो आगे जाएगा। मेरा नाम तबा जोबा। पहले से आप दौड़ते? पहले से हाँ दौड़ते, लेकिन मतलब सेल्फ दौड़ते हैं, कॉम्पिटिशन सब इतना पार्टिसिपेट नहीं किया, ओपन में करते हैं तो सेल्फ ट्रेंड ही है वैसे तो। एक्चुअली मेरा फर्स्ट टाइम है इसके इनके साथ ना, शायद थर्ड या फोर्थ आएगा इतना। प्रैक्टिस करते हैं पहले से? रेगुलर कहाँ प्रैक्टिस है, लेकिन सेल्फ प्रैक्टिस है, प्रोफेशनली तो नहीं कर रहे, सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं।
अभी 21 है जी सर। रोनाल्ड बुई नहीं है, ऐसे रूटीन रनिंग करता है, फलों के एयरपोर्ट पर जाता है। क्या मैसेज देना चाहिए यूथ को रनिंग के लिए? रनिंग इज अ बेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, बहुत अच्छा एक्सरसाइज है, बिना सिंपल है, और इसको रनिंग कर सकने से अच्छा बात है। ये फेस्टिवल बसार कॉन्फ्रेंस जो है, इसमें क्या मैसेज देना चाहेंगे पब्लिक को? उसको वही है, ये ब्रूट में एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए, और ये अच्छा है सबका फिटनेस के लिए, अच्छा एक मौका है। कितना दौड़ते हैं आप रोज? रोज नहीं दौड़ता है, वीक में 3 times, समटाइम्स 2 times, और 1/2 kilometer इज माई टारगेट। थैंक, मैं यही कहना चाहता हूँ, एस आई ऑलवेज से कीपिंग योर सेल्फ फिट इज द बेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव टू लाइफ, और द ब्रूट दे हैव ऑर्गेनाइज प्रोमो रन फॉर ब्रूट 4.0। आई मस्ट कंग्रेचुलेट द टीम एंड आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन माई ऑल माई यंग यूथ फ्रेंड्स टू कम अप एंड लेट अस चूज द लाइफ ऑफ हेल्दियर लाइफ देन चूजिंग द पार्ट ऑफ द लाइफ दैट इम्पैक्ट अस अ लॉट। वेरी सैड टू से आवर अरुणाचल इज समवेयर, स्पेशली द यूथ आर बीइंग मिसगाइडेड बाय अनवांटेड एलिमेंट्स ऑफ द सोसाइटी। आई विल से कि टाइम हैज कम अप वेयर वी शुड कम विद द कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटीज, नॉट ओनली विद द यूथ बट इवन द पेरेंट्स इवन द गार्जियंस, दे नीड टू सॉल्व देयर रेस्पॉन्सिबिलिटीज इन ब्रिंगिंग ए गुड लाइफ स्टाइल इन द सोसाइटी। एंड आई बिलीव दैट by organizing such events it will definitely you know boost the morale for the youth, not only for the youth but for the entire people of Arunachal Pradesh. Friend ne recommend kiya tha to isliye hum daudne chale aaye, at least to exactly nahi hai par hum gym jate hain, fitness mein dhyan dete hain na, diet and gym regular jate hain. Humko to lagta hai ki abhi bhi matlab bahut sare hai matlab students ya children log jo abhi bhi bahut sare drugs karte hain na, to usko humko mujhe lagta hai ki na वो इन्फ्लुएंस भी होता है फ्रेंड्स ऐसे ऐसे, तो हमको लगता है कि वो लोग थोड़ा सा और मतलब हमको अरुणाचल में भी और थोड़ा प्रमोट करने से अच्छा ये फिटनेस को रिलेटेड है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मेरा इंडिविजुअली किसी को जानने वाला मिला है जो ड्रग्स में था, पर जब वो लोग फिटनेस में घुसा है तो उसमें वो लोग खो जाते हैं, मतलब खो जाता है, तो वो लोग को काइंड ऑफ उसको मतलब डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बहुत अच्छा है फिटनेस जो मतलब या स्पोर्ट, जैसे कि सब तो फुटबॉल नहीं खेलते, एटलीस्ट जिम रेगुलर जिम जैसे मोटिवेशन मिलता है एक दूसरा को देख के जिम से, तो हमको ऐसा लगता है कि एटलीस्ट मतलब कुछ काइंड ऑफ एक्टिविटी ना एटलीस्ट मे बी रनिंग इवनिंग को या वॉकिंग या फ्रेंड्स के साथ थोड़ा जिम, तो ऐसा लगता है। यूथ्स लोग को मेरा तरफ से यही मैसेज रहेगा कि आप लोग जितना हो सके स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में आप लोग पार्टिसिपेट कीजिए, क्योंकि आप यहाँ रहेंगे तो आप ऑटोमेटिक आप बिजी हो जाएगा, तो बिजी होने से क्या होता है आप ड्रग्स और ये सब खराब चीज से आप एकदम दूर रहते हैं और माइंड भी एकदम फोकस में रहता है, और आप जो चाहता है मतलब उसको आप दिल और जान से अच्छा से कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं लाइफ में। रूट की जो मैराथन हो रही है बीजेपी के भी एक नेता है। अच्छा बिली गांधी जी, क्या आप कहेंगे, मैसेज क्या जाएगा इस मैराथन? इस मैराथन से मैं यही मैसेज देना चाहूंगा कि आप सब फिट रहे, इसी तरह का जब भी कोई रनिंग या कोई भी मैराथन कॉम्पिटिशन हो पार्टिसिपेट करें और अपना स्वास्थ्य मेंटेन रखें। इसी तरह से अगर आप मेंटेन रखेगा तो आपका माइंड एंड हेल्थ आपका कॉन्शियस रहेगा, आप यूथ रहेगा, और मैं सभी से मैसेज देना चाहूंगा कि अपना दिल दिमाग अपना हेल्थ कॉन्शियस रहे, और हम फिट तो सारा देश फिट। जो हम लोगों का जो बासवन कहता है ये बहुत ही महत्व है, ये सारा इसी तरह का मैराथन वहाँ पे होता है और सारा देश विदेश से लोग पार्टिसिपेट करते हैं, और ये जो एक बासर कॉन्फ्रेंस है एक हम लोगों का ईयरली एक फेस्टिवल है, फेस्टिवल की तरह है, जहाँ पे हम लोग अपना क्लीनिनेस और विभिन्न तरह के जितने भी हम लोगों का जो हम लोगों का अरुणाचल और बाकी प्रदेश से भी काफ़ी कल्चरल ग्रुप आते हैं, और जिस तरह से हम लोगों का जो कल्चरल डिस्प्ले होता है तो एक दूसरे को हम लोगों को जानने का एक मौका मिलता है, एक दूसरे का ट्राइब का जो कल्चरल है वो जानने का मौका मिलता है, नवंबर को होने जा रहा है, तो आप सभी से भी मैं यही अनुरोध करता हूं कि पार्टिसिपेट करें। ये ब्रूट तो जस्ट आज एक ट्रायल था, आगे नवंबर को भी होने जा रहा है इसी तरह का रनिंग 10 किलोमीटर 50 60 उससे भी ज्यादा, और विदेश से भी लोग पार्टिसिपेट विदेश से भी एथलेटिक्स पार्टिसिपेट करते हैं। मेरा नाम बामंग तानियंग है, मैं कुरुंकुमे से आया हूँ ये दौड़ने के लिए, और ये जो आज आपको बताना चाहूंगा, मेरा उम्र है 45 और आज का उम्र में इतना उम्र में मैं देखो तंटी भाई पास ये किलोमीटर को आपका 20 मिनट में दौड़ा हूँ, तो इसलिए मैं यूथ को मैसेज देना चाहूँ अभी फिट रहिए, अभी से आप लोग यूं ऐसे स्कूल कॉलेज समय से शुरू कीजिए ताकि आपका फिटनेस बरकरार रहे। तो इसमें
आप हम लोग जो अपना फिटनेस को ध्यान देगा तो स्पोर्ट्स एक्टिविटी में हम लोग ध्यान ये एक्टिव रहेगा। जब आप बिजी रहेगा स्पोर्ट्स में फिटनेस का जब आपका टेंशन होगा तो आप द्रास का कहां से सोचने का मौका मिलेगा। ईटानगर कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड टुडे ब्रूट ऑर्गेनाइज अ मैराथन एंड नाउ वी आर इंटरेक्टिंग विद द एसपी ऑफ कुरुंगकुमे डिस्ट्रिक्ट। ये जो हमारा बसर रनिंग अल्ट्रा ट्रेल एक्सपीरियंस जो एक अल्ट्रा ट्रेल रनिंग इवेंट है, दिस वॉज कंसीव्ड बाय जीआरके गुमिन रघो किलाजू विच इज लेपारादा बेस्ड एनजीओ। और इसमें हमारा जो एम है, ऑब्जेक्टिव है, इसमें जो प्रोफेशनल जो रनर्स है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर इंडिया, तो इनको यहाँ बसार में लाने का, उनको अपने बसार का जो हिडन नेचुरल ब्यूटी है उनको दिखाने का, सो दैट हमारा टूरिज्म इसमें बढ़ावा हो। और इसके साथ में जो हमारे जो यूथ को, जो हमारे जो लोकल है और सारे अरुणाचल के लोगों को फिटनेस का मंत्र एक उस दिशा में ले जाने का एक हमारे जीआरके की तरफ से एक कोशिश है। जो हमारे 23 नवंबर 2024 में जो होने जा रहे हैं बसार में, तो इसका ये प्रोमो रन है, तो इसमें हमने थीम रखा है इस बार लव अवेयरनेस के लिए। तो हमारे आज यहाँ पे करीब जो 200 जो पार्टिसिपेंट्स आए हैं, ये लोग हम सारे ड्रग्स अवेयरनेस को लेके, उस थीम को लेके हम आज यहाँ पे जोड़े।